इनके यहाँ पे स्टॉल लगे हुए हैं ये गाजी यूनिवर्सिटी के, यहाँ पे कल्चर शो हो रहा है जहाँ पे प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन भी हुए, एक बच्चे को 10,000 रुपीज मिले हैं। यहाँ पे हमारे साथ गाजी यूनिवर्सिटी की एक लेक्चरर और मौजूद है, इनसे बात करते हैं कि कैसा लगा इनको और कैसा हुआ शो। जी सलाम अलैकुम, मैं डॉक्टर राशिदा काजी हूँ, एसोसिएट प्रोफेसर हूँ यहाँ शोबाए उर्दू में। यहाँ हमारे 4 डिपार्टमेंट्स की एफर्ट शामिल थी, जिसमें ज्यादातर जिसको मैं क्रेडिट दूंगी वो इंग्लिश डिपार्टमेंट है। उसके अलावा हिस्ट्री भी यहाँ मौजूद थी, पोल साइंस था और सोशियोलॉजी थी और उर्दू डिपार्टमेंट था। हमारे सुबह जब आर्ट एंड कल्चर को प्रेजेंट किया हमारे बच्चों ने, तो हमारे एक बच्चे को मिनिस्टर साहब ने 10,000 का प्राइज दिया। इनसे बात करते हैं कि किस तरह से एग्रीकल्चर में ये हमारी हेल्प कर सकते हैं इनके ट्रैक्टर्स। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम उमर हयात है और मैं एरिया सेल्स मैनेजर हूं, जो कि मैं लुक आफ्टर कर रहा हूं डेरा गाजी खान को, राजनपुर को और डेरा इस्माइल खान को। अल गाजी ट्रैक्टर कंपनी की तरफ से हमने यहां पे स्टॉल लगाया है, और जो कि साउथ पंजाब का बिगेस्ट जो एग्रीकल्चर शो 2022 का है। इसमें हमारे पास जो है 5 हमारे बिगेस्ट मॉडल जो है अवेलेबल है, 480, 480 पावर, गाजी, 640 और दबंग। हमारे पास ऑल तरह की हम फ्री सर्विस प्रोग्राम हम अपने फार्मर्स को प्रोवाइड करते हैं, उनके डोर स्टेप पे जाके हम उनको सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। हमारे ट्रैक्टर्स जो होते हैं ये ऑल टाइम अवेलेबल हैं, आप किसी भी शोरूम पे जाके आप उसको परचेज कर सकते हैं, थ्रू बैंक्स भी आप उसको परचेज कर सकते हैं। ये एग्रीकल्चर के हिसाब से देखा जाए तो ये 30% हमारे ट्रैक्टर्स जो है फ्यूल एफिशिएंट है। गाजी यूनिवर्सिटी के टीचर्स और लेक्चरर्स मौजूद हैं और वो बताएंगे कि इन्होंने यहाँ पे क्या ऐसा इकदाम उठाया कि जो यहाँ पर एग्रीकल्चर शो बताए। जी सर। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर सुहेल सादिक है। एक्चुअली हम डिपार्टमेंट ऑफ एग्रोनॉमी जो है गाजी यूनिवर्सिटी के अंदर, हम 3 चीजों के ऊपर फोकस कर रहे हैं। एक जो डिपार्टमेंट ऑफ एग्रोनॉमी है वो नॉन कन्वेंशनल गैर रवायती फसलें, बदलते हुए मौसमी हालात के मुताबिक जो आज की हमारे वक्त की जरूरत है, ऐसी फसलें जो हमारे इन इलाकों के अंदर जहाँ पे हमारी जमीनें बंजर पड़ी हैं, कलर फैल रहा है, टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, ड्राउट पानी की कमी हो रहा है, तो उन इलाकों के लिए ऐसी फसलें जो वहाँ पे ग्रो कर सके और किसान एक अच्छी पैदावार हासिल कर सके, तो उस हवाले से हमने गैर रवायती फसलें डिपार्टमेंट ऑफ एग्रोनॉमी उनको इंट्रोड्यूस करा रहा है डेरा गाजी खान के एनवायरमेंट में। हम चेक कर रहे हैं कि उनकी अडाप्टेबिलिटी गाजी यूनिवर्सिटी के या इस एनवायरमेंट में किस तरह है और कौन सी वैरायटी यहाँ पे बेस्ट ग्रो करेगी। जी अस्सलाम वालेकुम जी, पाकिस्तान में जो धान की फसल लगाई जाती है वो बजरिया हाथ के जरिए लेबर लगाती है, तो अभी जो है वो लेबर मिलती नहीं है और लेबर जो पौधे है वो फी एकड़ कम लगाती है। मतलूबा पौधे ट्रांसप्लांट ना होने की बाइस जो है वो किसान की फी एकड़ पैदावार कम आती है, तो उसका जो सलूशन है वो कबूटा कंपनी पाकिस्तान में प्रोवाइड कर रही है, जिससे आप 1 घंटे के अंदर 1 एकड़ ट्रांसप्लांट कर सकते हैं, दिन में 10 से 12 एकड़ ट्रांसप्लांट कर सकते हैं, और आपकी जो पौधों की तादाद है वो जो ऑल ओवर द वर्ल्ड महकमे की रिकमेंडेशन है एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की कि 80,000 पौधे होने चाहिए, वो पूरे करती है, जिससे किसान की पैदावार में इजाफा होता है और उसका फी एकड़ मुनाफा जो है वो बढ़ता है। यहाँ पे एक लड़की ने बलोची ड्रेस पहना हुआ है, आइए इनसे बात करते हैं और पूछते हैं कि कैसा शो हुआ और इन्हें कैसा लगा। अस्सलाम वालेकुम, मैं अपने स्टॉल में ठहरी हुई हूँ। आज गाजी यूनिवर्सिटी वालों ने जो ये शो किया है हमें बहुत मजा आ रहा है, बहुत मजे का प्रोग्राम है। मैं चाहती हूँ कि डीजी खान में ऐसे शो बार बार होते रहे, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम हुआ है। यहाँ पे कुछ बच्चे और लड़के लड़कियां मौजूद हैं जो कि यहाँ पे विजिट कर रहे थे, इनसे पूछते हैं इनको कैसा लगा और कितना हेल्पफुल रहा है यहाँ पे इनके लिए शो। जी सर। अस्सलाम वालेकुम, मैं यहाँ पर बहुत हम इंजॉय कर रहे हैं और इंजॉय के साथ साथ हमें यहाँ पे नॉलेज गेन हो रहा है, नॉलेज वो भी फार्मर्स को भी, ऐसा नॉलेज हमें मुल्की मईशत में भी तरक्की, क्योंकि फार्मर्स जब इस तरह का नॉलेज वो हासिल करेंगे तो वो अपनी ज़राअत के शोबे को और तरक्की देंगे। और एज अ स्टूडेंट मैंने भी इसके अंदर बहुत सारा नॉलेज गेन किया, मैं ऐसे 9th 10th इस तरह के स्टूडेंट्स के लिए ये बहुत अच्छा नॉलेज उनको प्रोवाइड मिले होगा यहाँ पे। अस्सलाम वालेकुम, मुझे यहाँ पे बहुत मजा आ रहा है, यहाँ पे बहुत अच्छी चीजें हैं, मैं बहुत ज्यादा इंजॉय कर रही हूँ। जी नॉलेज गेनर शो है, बहुत मजा आ रहा है सबको। सीएम पंजाब की हिदायत पर डेरा गाजी खान में पहली दफा ज़रई नुमाइश 2022 का इनेकाद किया गया, जिसकी इफ्तिताही तकरीब सूबाई वजीर आपाशी सैयद हुसैन ने की, जिसमें वाइस चांसलर गाजी यूनिवर्सिटी डॉक्टर तुफैल और उनकी टीम ने भरपूर कामयाबी समेटी। कैमरामैन अतीक के साथ अनुषा संधू, एन न्यूज डेरा गाजी खान।